लालू यादव की 25 कहानियां। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। भारतीय राजनीति में लालू प्रसाद यादव एक ऐसा नाम है जिनके नाम पर पिछले 25 साल से भ्रष्टाचार का दाग लगा हुआ है। पहले चारा घोटाले का आरोप लगा, जेल जाना पड़ा, सजा मिली, अब चुनावी राजनीति से बाहर हो गए। फिर भी लालू को कोई कम नहीं आ सकता, क्योंकि 2 साल पहले ही वो बिहार में सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बनकर उभरे। अब सीबीआई ने होटल और जमीन के घोटाले में लालू को घेर लिया है। पहले लालू अकेले घोटाले में फंसे थे, अब परिवार की बेटियां, बेटा, पत्नी भी फंसे हुए हैं। पता नहीं लालू इससे कैसे निकलेंगे। आज इस समय हम आपको दिखाने वाले हैं लालू की 25 कहानियां देखिए और अनुमान लगाइए कि अब लालू का क्या होगा। लालू नाम कैसे पड़ा? लालू का नाम लालू कैसे पड़ा, इसकी कहानी एक बार उनकी बहन गंगोत्री देवी ने सुनाई थी। बचपन में लालू गोरे थे, गोल मटोल थे और भाइयों में सबसे छोटे थे, इसलिए पिता कुंदन राय ने उनका नाम लालू रख दिया। लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1947 को बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में हुआ था। लालू ने स्कूल की पढ़ाई गोपालगंज में ही की। लालू ने पटना विश्वविद्यालय के कॉलेज से पढ़ाई की। बीएन कॉलेज से लालू ने राजनीतिक शास्त्र में एमए किया। कॉलेज के जमाने से लालू छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए थे। लालू जब कॉलेज में थे तभी जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन शुरू किया था। लालू उसी समय जेपी के साथ जुड़ गए। चपरासी क्वार्टर से सीएम हाउस तक। लालू के पिता कुंदन राय थे, पिता खेतिहर मजदूर थे। उनका बचपन गरीबी में गुजरा। उनके भाई को चपरासी की नौकरी मिली तो वो पटना में चपरासी क्वार्टर में रहने लगे। कहा जाता है कि सीएम बनने के बाद भी 4 महीने तक वो पटना में चपरासी क्वार्टर में रहे थे। आज लालू परिवार पर 200 करोड़ की संपत्ति जुटाने का आरोप लग रहा है। राबड़ी और लालू की लव स्टोरी 14 साल की उम्र से शुरू हुई थी। 1973 में लालू जब छात्र नेता थे तब 14 साल की उम्र में राबड़ी से उनकी शादी हुई थी। लालू और राबड़ी की 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। इस समय लालू का जो परिवार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा है उसमें लालू की बड़ी बेटी मीसा और दामाद शैलेश, बेटी रागनी और चंदा, डिप्टी सीएम बेटा तेजस्वी शामिल हैं। लालू और राबड़ी 7 बेटियों की शादी कर चुके हैं लेकिन दोनों बेटों की शादी अभी होनी है। लालू राबड़ी की सबसे बड़ी बेटी हैं मीसा भारती। मीसा भारती राज्यसभा की सांसद हैं। जब मीसा भारती का जन्म हुआ था तब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी और लालू यादव जेल में थे। लालू पर नॉन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा की धारा लगी थी। लालू ने मीसा का नाम मीसा एक्ट के नाम पर ही रख दिया। मीसा भारती ने MBBS की डिग्री ली हुई है। उन्होंने MBBS परीक्षा में टॉप किया था। उन्हें डॉक्टरी करते हुए कभी देखा नहीं गया। लोग उनकी डिग्री पर भी सवाल उठाते रहते हैं। देश में बेटा बेटी को राजनीतिक विरासत सौंपने की पुरानी परंपरा रही है लेकिन 1997 में लालू ने पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का सीएम बनाकर सनसनी मचा दी थी। चारा घोटाले के कारण लालू को सीएम की गद्दी छोड़नी पड़ी। तब लालू के बच्चे राजनीति से कोसों दूर थे। पार्टी में किसी और पर भरोसा करने के बजाय लालू ने बिल्कुल घरेलू महिला राबड़ी देवी को बिहार के सीएम के रूप में शपथ दिला दी। राबड़ी की बदौलत लालू कई साल तक बिहार पर राज करते रहे। बाद में लालू की राजनीतिक वापसी हुई लेकिन लालू ने बिहार की कमान राबड़ी को सौंपे रखी और खुद केंद्र में रेल मंत्री बन बैठे। राबड़ी 3 किस्त में 1997 से 2005 तक बिहार की सीएम बनी रही। लालू का राजनीतिक समधियाना। लालू खुद तो राजनीति में है, अपनी कई बेटियों की शादी भी उन्होंने राजनीतिक परिवारों में की। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव उनके समधी हैं। मुलायम के पोते तेज प्रताप यादव से लालू ने अपनी सबसे छोटी बेटी राजलक्ष्मी की शादी की है। समाजवादी पार्टी के एक और नेता जितेंद्र यादव उनके समधी हैं। लालू ने अपनी बेटी रागनी की शादी
जितेंद्र यादव के बेटे राहुल से की है। जितेंद्र गाजियाबाद से लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। हरियाणा के कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव भी उनके समधी हैं। बेटी धन्नू की शादी कैप्टन अजय यादव के बेटे राव चिरंजीव से हुई है। कैप्टन अजय हरियाणा की कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। चिरंजीव हरियाणा युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। लालू, नीतीश, रामविलास पासवान और शरद यादव ये सारे दोस्त थे जो जेपी आंदोलन से जुड़े। इन सभी ने मिलकर जनता दल नाम की पार्टी बनाई थी, लेकिन राजनीति में सबसे पहले और सबसे ज्यादा तरक्की लालू ने ही की। 29 साल की उम्र में लालू लोकसभा सांसद बन गए। 1990 में बिहार के सीएम बने। चुनाव जीतकर 1995 में दोबारा सीएम बने। 1997 में लालू ने दोस्तों से किनारा करके अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनाई, जो आज भी चल रही है। लालू नीतीश की जोड़ी का टूटना जुड़ना। लालू जब सीएम बने थे तब नीतीश उनके चारण के कहे जाते थे, लेकिन मतभेद के कारण दोनों के रास्ते अलग हो गए। 2014 में मोदी की धमाकेदार जीत के बाद एक दूसरे के धूल विरोधी लालू और नीतीश ने हाथ मिला लिया। 2015 में बीजेपी को धूल चटाते हुए दोनों की जोड़ी ने बिहार की सत्ता पर कब्जा कर लिया। भ्रष्टाचार की छवि के बाद भी लालू की पार्टी को मिस्टर क्लीन नीतीश से ज्यादा सीटें मिली। भ्रष्टाचार के नए आरोपों के बाद अटकलें लग रही हैं कि लालू और नीतीश की जोड़ी फिर टूट सकती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। आज लालू और उनका पूरा परिवार जरूर आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा है, लेकिन लालू ने अपनी जिंदगी गरीबी में भी बिताई है, मवेशियों को भी चराया है। अपने अतीत को याद रखते हुए लालू जब सीएम बने तब उन्होंने 1991 में चरवाहा विद्यालय की शुरुआत की थी। गांव में मवेशियों को चारा खिलाने वालों को चरवाहा कहा जाता है। लालू की सोच ये थी कि बच्चे जब मवेशियों को चारा खिलाने निकलेंगे तब पढ़ भी सकेंगे। गांव में स्कूल और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चरवाहा विद्यालय की सोच ने अंतर्राष्ट्रीय चर्चा बटोरी थी। सरकार के सर्व शिक्षा अभियान में भी चरवाहा विद्यालय को शामिल किया गया। बिहार के वैशाली जिले के गोरौल प्रखंड में इस बिल्डिंग में देश का पहला चरवाहा विद्यालय खुला भी, लेकिन तस्वीर बता रही है कि लालू की ये योजना कभी लागू नहीं हो सकी। अब ये सुनने को मिल रहा है कि पहले चरवाहा विद्यालय की बिल्डिंग में केला अनुसंधान संस्थान खुलेगा। भूरा बाल हटाओ। लालू जाति की राजनीति से उपजे नेता है। 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद उपजी लहर में ही लालू चुनाव जीत कर सीएम बने थे। लालू पिछड़ी जाति की राजनीति करते रहे हैं। शुरुआती राजनीतिक जीवन में लालू ने नारा दिया था भूरा बाल हटाओ, मतलब ऊंची जाति के भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला यानी कायस्थ को हटाओ। लालू के इस नारे ने परसों तक बिहार में करिश्मा दिखाया और अगड़ी जाति के प्रति बैर भाव रखने वाले लालू बिहार में राज करते रहे। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा बिहार में लालू। लालू ने बिहार में जब राज करना शुरू किया था तब उनके आसपास कोई विपक्षी ताकत थी नहीं। कांग्रेस कमजोर थी और बीजेपी उभर नहीं पा रही थी। लालू लगातार चुनाव जीत रहे थे। लालू ने नारा दिया था जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा बिहार में लालू। सचमुच 1990 से लेकर अब तक 2-1 साल को छोड़कर लालू का राज खत्म नहीं हुआ है। पहले लालू सीएम रहे, फिर पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाकर केंद्र सरकार में मंत्री बन गए। चारा घोटाले में सजा याफ्ता होने के कारण वो विधायक, सांसद, सीएम तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके बेटे तेजस्वी डिप्टी सीएम है, दूसरा बेटा मंत्री है और बेटी सांसद। उन्नीस सौ नब्बे में लालू जब बिहार के सीएम बने थे तब उन्होंने बिहार के विकास के बड़े बड़े वादे किए थे। बदहाल सड़कों को ठीक करने का वादा करते करते वो ये कह गए कि वो बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल जैसी बना देंगे। तब लालू के इस बयान की जबरदस्त आलोचना हुई थी। लालू राज में कभी बिहार की सड़कों का भला नहीं हो पाया, लेकिन इस बयान की चर्चा अक्सर होती है। अभिनेत्री हेमा मालिनी को लेकर लालू का प्रेम कई बार सार्वजनिक तौर पर आ चुका है। पिछले साल अक्टूबर में शो के लिए हेमा मालिनी पटना में आई तो लालू ने खुलेआम अपने प्यार का इजहार कर दिया। कहा कि
हेमा मालिनी जी के नाम पर ही उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा है। हेमा जी को नहीं पता कि वह उनसे कितना प्यार करते हैं। लालू जब हेमा मालिनी के बारे में ये सब कह रहे थे तब हेमा मालिनी बीजेपी की सांसद भी थी। एक बेटी हमारी है, हेमा जी को भी पता नहीं होगा, आज हम उनको बता दें कि आपको इतना प्यार करते हैं हम लोग। मैनेजमेंट गुरु लालू। लालू ने अपने ठेठ देसी और गवई अंदाज पर कभी पर्दा डालने की कोशिश नहीं की। इसके बाद भी लालू मैनेजमेंट गुरु बने। 2004-05 में जब लालू रेल मंत्री बने थे तब रेल घाटे की बताई जाती थी। लालू के समय प्रॉफिट हुआ तो लालू के फंडे मैनेजमेंट स्कूल के फंडे बन गए। IIM हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से लालू को ऑफर मिले कि आइए फायदे का फंडा बताइए। मैनेजमेंट गुरु प्रोफेसर लालू की रेल नाम से किताब भी छप गई। दो हजार पांच में लालू UPA-1 की सरकार में रेल मंत्री बने थे। लालू जब तक रेल मंत्री रहे उन्होंने रेल का किराया बढ़ने नहीं दिया। एक बड़ा प्रयोग उन्होंने किया था रेलवे कैटरिंग में और रेलवे प्लेटफॉर्म पर उन्होंने मिट्टी के बर्तन यानी कुल्हड़ में चाय की बिक्री शुरू कराई। हालांकि अब रेल में कुल्हड़ में चाय नहीं मिलती। ऐसा माना जाता है कि लालू के समय भारतीय रेल प्रॉफिट में आ गई थी। 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर बने और बीजेपी का राजनीतिक रथ चल निकले। इस शपथ के साथ बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा निकाली थी। आडवाणी के रथ यात्रा को बीजेपी के राजनीतिक विकास का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। तब लालू बिहार के CM बने थे। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में लालू और आडवाणी दोनों थे लेकिन लालू ने ही आडवाणी का रथ बिहार के समस्तीपुर में रोकने की हिम्मत दिखाई थी। एक चूहा भी नहीं लगा, एक फोटो भी नहीं चला। कैसे गिरफ्तार हुए, कैसे लूट किया हमारा पुलिस, कैसे मसान जोर में ले आके पहाड़ में लूट किया। लालू के कारण न आडवाणी की रथ यात्रा अयोध्या पहुँच पाई न राम मंदिर बन पाया। लालू चारा घोटाले के भुक्तभोगी हैं, जो उनके CM रहते हुआ था। 25 साल से लालू के साए की तरह है चारा घोटाला। चारा घोटाला 900 करोड़ का था। लालू को 5 साल की सजा मिली हुई है और वो अभी जमानत पर जेल से बाहर है। सजा मिलने के कारण ही लालू चुनावी राजनीति से बाहर है। 5 साल की सजा पूरी होने के बाद भी 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि बेटा बेटी के जरिए उनका परिवार सत्ता का सुख भोग रहा है और वो RJD अध्यक्ष बने हुए हैं। जेल भेजने वाले जज लालू के जूनियर। 2013 में जब लालू को चारा घोटाले में सजा हुई थी तब लालू को भी मालूम नहीं था कि उनका राजनीतिक भविष्य जिस जज के हाथ में है वो कभी उनके जूनियर थे। कोर्ट में ये खुलासा खुद जज PK सिंह ने किया था। मेरी मौत के बाद बनेगा झारखंड। लालू ने बिहार के विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया। जब झारखंड को बिहार से अलग करने की मांग उठती थी तब लालू यहां तक कहते थे कि झारखंड मेरी मौत के बाद बनेगा। साल 2000 में लालू ने ये बयान दिया था। हालांकि लालू की एक नहीं चली। 2001 में NDA शासन ने बहुमत के बल पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का बंटवारा करते हुए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य बना दिए थे। Everybody is appreciating कि I have done a tremendous work. लालू प्रसाद अपने बोलने की शैली के लिए मशहूर हैं। अपनी बात को कहने का लालू यादव का खास अंदाज है। लालू लुंगी बनियान पहनकर भी नेशनल TV पर आकर इंटरव्यू देने में संकोच नहीं करते हैं। कई कलाकारों ने लालू की नकल करके ही अपनी एक्टिंग की दुकान चला ली। आपने विंडोज के बारे में तो सुना होगा ना? Hello. विंडो है हमारा, ट्रेन में भी लगाया विंडो, सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम लगाने वाला हूँ ट्रेन में भी। लालू की कुर्ता फाड़ होली। लालू को देश में कुर्ता फाड़ होली का जनक माना जाता है। CM होते हुए भी होली पर लालू के घर जबरदस्त रंग जमता था। छोटे से छोटे कार्यकर्ता के साथ लालू होली खेलते थे। लालू खुद
ढोल के साथ शुरू हो जाते थे। लालू की वो होली कैसी होती थी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि बाद में लालू के घर कुर्ता फाड़ होली का सिलसिला खत्म हो गया। लालू का क्रिकेट प्रेम। राजनीति के धाकड़ खिलाड़ी लालू क्रिकेट में भी हाथ आजमा चुके हैं। लालू बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन उनके एसोसिएशन को कभी बीसीसीआई ने तरजीह नहीं दी। तेजस्वी बिहार रणजी टीम में क्रिकेटर रहे। तेजस्वी 4 सीजन तक दिल्ली डेयर डेविल्स टीम में रहे, लेकिन कभी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना सके। लालू यादव की 25 कहानियां। तो लालू यादव की 25 कहानियां आपने देखी। उनका राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। इस बार क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो लालू परिवार पर छापेमारी के बाद बिहार की राजनीति में कभी भी भूचाल आ सकता है। बिहार में बवाल की हर खबर पर एबीपी न्यूज आपको सबसे पहले अपडेट दे रहा है। लालू विवाद में जो बड़ी बातें अब तक हैं उस पर एक नजर डालिए। इस खबर से जुड़ी जो बड़ी बात है वो ये कि मंगलवार को नीतीश ने जेडीयू की बैठक बुलाई है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। कल आरजेडी के विधायकों की बैठक होगी, बहुत ही अहम ये बैठक भी। यहां क्या निर्णय होता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। कल नीतीश जनता दरबार नहीं करेंगे। कल जनता दरबार वो करने वाले थे, फिर खबर आई कि उनकी तबियत ठीक नहीं है, ऐसे में यह कार्यक्रम उन्होंने रद्द कर दिया है। तेजस्वी पर दर्ज केस पर नीतीश की चुप्पी सवालों के घेरे में है। बड़ा सवाल यही कि इस पर मुख्यमंत्री कुछ क्यों नहीं बोल रहे। लालू यादव और उनके परिवार पर रेलवे के होटल मामले में सीबीआई ने एफआईआर की है, लेकिन लालू और उनके परिवार पर बेनामी संपत्तियों के भी आरोप लग रहे हैं। लालू यादव और उनके परिवार के पास कुल कितनी संपत्ति है इसके बारे में सही तौर पर कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा। पिछले कुछ दिनों में जिन संपत्तियों का खुलासा हुआ है उनमें से कई बेनामी संपत्तियां हैं, उनकी कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। लालू यादव के दोनों बेटों, बेटी और पत्नी राबड़ी ने अपने चुनावी हलफनामे में जो संपत्ति का ब्यौरा दिया है उसके मुताबिक उनके पास सिर्फ 5 करोड़ की ही अचल संपत्ति है। लालू यादव ने कितनी संपत्ति इकट्ठा कर रखी है ये उनको खुद भी नहीं मालूम है, क्योंकि जो आता चला गया लिखवाते चले गए। लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ रोज नए आरोप लगाने वाले बीजेपी नेता सुशील मोदी के मुताबिक लालू के परिवार के पास 100 से ज्यादा संपत्तियां हैं जिनकी कीमत 2000 करोड़ तक हो सकती है। पटना की जिस जमीन पर बिहार का सबसे बड़ा मॉल बनाया जा रहा है, इसी जमीन से लालू के परिवार की संपत्तियों का सच सामने आना शुरू हुआ था और अब यही जमीन लालू के गले की हड्डी बन गई है। लालू और उनके परिवार के लोगों के चुनावी हलफनामे में इस जमीन का कहीं कोई जिक्र नहीं था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस जैसी कई और संपत्तियां हैं जो किसी और के नाम पर खरीदी गईं, लेकिन वो लालू के परिवार के किसी न किसी सदस्य की हो गई। पटना बाईपास मुख्य सड़क, उसी पर ये जमीन पर इतनी बड़ी मंजिल, 3 मंजिला इमारत है। ये पहले कांति सिंह के नाम पर था और बाद में अब लालू परिवार के नाम पर हो गया है। ये पक्के तौर पे कहा जा रहा है कि कांति सिंह ने ये जमीन आखिर लालू यादव के परिवार को क्यों दी। सुशील मोदी ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय मंत्री बनाने के एवज में उनसे ये जमीन ली गई है। इस संपत्ति की मौजूदा कीमत 5 करोड़ के आसपास होने का अनुमान है। हाल ही में आयकर विभाग ने लालू और उनके परिवार से जुड़ी 12 बेनामी संपत्तियों को अटैच किया। ये 12 प्लॉट पटना में अलग अलग जगहों पर हैं, जिनकी कुल कीमत 85 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। इसके अलावा दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक फ्लैट है जिसकी कीमत 50 करोड़ होने का अनुमान है। हम इस समय खड़े हैं D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। यह मकान लगभग 800 गज में बना है और इस मकान को AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने साल 2008 में खरीदा था। इस कंपनी को साल 2008 में मुंबई के 5 ज्वेलरों ने 5 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड लोन दिया था, जिससे ये मकान खरीदा गया और फिर इस कंपनी के सारे शेयर लालू के बेटे तेजस्वी यादव और बेटी चंदा यादव के पास आ गए। दिल्ली के ही सैनिक फार्म में लालू की बेटी मीसा और दामा शैलेश के नाम पर 3 एकड़ का फार्म हाउस होने का आरोप है, जिसकी कीमत करीब 36 करोड़ बताई जा रही है।
इसके अलावा दिल्ली के ही बिजवासन में पालम फॉर्म्स नाम से संपत्ति भी मीसा और शैलेश से जुड़ी होने का आरोप है। आरोप के मुताबिक 4 फर्जी कंपनियों से पैसे लेकर इसे खरीदा गया था। इसकी कीमत भी करीब 40 करोड़ के आसपास है। लेकिन अब इन संपत्तियों के बाद हम आपको दिखाते हैं लालू के परिवार के सदस्यों के चुनावी हलफनामे। राबड़ी देवी, तेज प्रताप, तेजस्वी और मीसा के इन हलफनामों में कुल 53 अचल संपत्तियों का जिक्र है। इनमें से राबड़ी के नाम 17 अचल संपत्तियां हैं, जिनकी कीमत 2,41,25,000 रुपए है। मीसा के पास कुल 2 करोड़ रुपए हैं और इसमें 21 अचल संपत्तियों का जिक्र है। हलफनामों में तेज प्रताप और तेजस्वी के नाम कुल 15 अचल संपत्तियों का जिक्र है, जिनकी कीमत सिर्फ 1,41,90,000 बताई गई, यानी सब मिलाकर सिर्फ 5,83,00,000 की संपत्ति। हलफनामे की रकम और हर दिन सामने आ रही नई संपत्तियों की तस्वीरों में बड़ा अंतर दिख रहा है। यही वजह है कि लालू के परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली से ओम प्रकाश तिवारी के साथ पटना से प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। दरअसल लालू पर भ्रष्टाचार के आरोप लंबे वक्त से लग रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी मुसीबत इसलिए ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि पूरा उनका परिवार भ्रष्टाचार के झंझावत में बुरी तरह से घिर चुका है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।